मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बगैर मानव शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और इसी के द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन यानी कंट्रोल एंड रेगुलेशन होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन का मेन फंक्शन हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों यानी आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन से मिलने वाली इंफॉर्मेशंस को रिसीव करना है और फिर उन पर कार्रवाई करना होता है। ज्ञान, बुद्धि, स्मरण, तर्क शक्ति, व्यक्तित्व, विचार, निर्णय लेने की क्षमता, विवेचन और योजना बनाना, ये सभी उस कार्यवाही का ही हिस्सा होते हैं। इसके साथ ही हमारा मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेटिव इनपुट लेता है और हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स को रिएक्शन आउटपुट भेजता है। इसलिए हमारे ब्रेन को हमारे नर्वस सिस्टम का बॉस यानी कंट्रोल पॉइंट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर में 500 से भी ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए केमिकल मैसेंजर्स के रूप में काम करते हुए सिग्नल्स को हमारी बॉडी के मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुँचाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हमारी बॉडी के लिए इतने इम्पॉर्टेंट काम करने वाले पार्ट में यदि कोई समस्या उत्पन्न होने लगे तो इससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, ये प्रभाव इतना बुरा हो सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता करें कि हमारे मस्तिष्क में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या नहीं, तो इसके लिए आप खुद से कुछ प्रश्न पूछिए, जैसे कि क्या आपका मस्तिष्क हमेशा सवालों में घिरा रहता है और उनके जवाबों को ढूंढने के लिए मन में उथल पुथल बनी रहती है। क्या आपको कॉन्सेंट्रेट करने और बातों को याद रखने में समस्या होती है। इसके साथ ही आपको नींद ना आना, शारीरिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन, चलने फिरने में परेशानी होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना जैसी समस्याएं भी महसूस हो रही हैं, और यदि इनका जवाब हाँ है तो आपको तुरंत ही इन पर एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का यदि सही समय पर इलाज ना किया जाए तो हर उम्र के व्यक्तियों में उम्र बढ़ने के साथ ये समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं, जैसे कि पढ़ाई करने वाले बच्चों में एकाग्रता की कमी, कम उम्र में बालों का झड़ना और सफ़ेद होना, वयस्कों में स्ट्रेस लेवल का हाई होना, काम में मन ना लगना, बुरे ख्यालों का आना, नींद ना आना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना, और बुजुर्गों में शारीरिक क्षीणता होना, याददाश्त में कमी आना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर के अन्य अंगों का। फ्रेंड्स, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चमत्कारी औषधियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके मस्तिष्क को शांत करने के साथ ताकत भी प्रदान करेंगी। जी, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्मी की। ब्रह्मी अर्थात ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्रह्मांड की शक्ति यानी असीमित और पवित्र शक्ति। ब्रह्मी भारत की प्राचीन जड़ी बूटी है जिसे युगों से तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को तेज करने वाले औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसे औषधीय गुण जो कि नसों को पुनर्जीवित करने के साथ असीमित शक्ति भी प्रदान करने वाले तत्वों से युक्त है, और साथ ही ये कॉन्सेंट्रेशन पार, लर्निंग पार और मेमोरी को बढ़ाते हुए हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित और साथ ही सोच को पवित्र करती है। अर्थात हर उम्र के व्यक्ति में ब्रह्मी के नियमित इस्तेमाल से ये मन को चंचल और सोच को विकृत होने से भी बचाती है और सद्बुद्धि प्रदान करती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिमालया की ब्रह्मी वटी है। ये इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आती है। इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं और इसका प्राइस 150 रुपीज़ है। मैंने इसे अमेज़न से 140 रुपीज़ में परचेज़ किया है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से लगभग 2 साल की होती है। इसकी एक टैबलेट में 250 मिलीग्राम प्योर ब्रह्मी होती है। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। ये इस तरह की टैबलेट्स हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो आप इसकी 1 से 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार गर्म दूध या पानी के साथ खाने के बाद ले सकते हैं। ब्रह्मी को चूर्ण के रूप में भी लिया जा सकता है। ब्रह्मी के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध, घी या शहद के साथ मिलाकर
दिन में 2 बार खाने के बाद पिया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ब्रह्मी के पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और साथ ही अपना पोषण भी देते हैं। इसके लिए आप पतंजलि के ब्रह्मी चूर्ण का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी 100 ग्राम की बोतल का प्राइस 28 रुपये है। ये इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आता है। हिमालय की ब्रह्मी वटी के बॉक्स पर मेंशन किया गया है कि ब्रह्मी को अलर्टनेस बढ़ाने के लिए औषधि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके और भी अनगिनत फ़ायदे हैं। और इनके बारे में जानने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए संक्षिप्त में जानते हैं ब्रह्मी के और फ़ायदों के बारे में। ब्रह्मी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिनके कारण ब्रह्मी के नियमित सेवन से हमारी इम्यूनिटी, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। इसके साथ ब्रह्मी मिर्गी में यानी एपिलेप्सी, आंतरिक सूजन, इनडाइजेशन, हेयर प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, अल्जाइमर, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, कुछ तरह के कैंसर को ठीक करने की भी क्षमता रखती है। फ्रेंड्स, परीक्षाओं के दौरान बच्चों में घबराहट, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन में कमी, हार्ट बीट बढ़ना, इंसोम्निया यानी नींद ना आना और नींद में बोलने के साथ स्ट्रेस जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सबको ठीक करने का ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तनाव यानी स्ट्रेस, लो कॉन्सेंट्रेशन पार, माइग्रेन, इन सबको हील करने की क्षमता पतंजलि की दिव्य मेधावटी में भी होती है। मैंने अपनी एक वीडियो में मेधावटी को डिटेल रिव्यू किया हुआ है। आप चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षिप्त में एक और ऐसी औषधि के बारे में जान लेते हैं जो हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। यह है पतंजलि का रोगन बादाम शीरीन। ये मीठे बादामों से बनाया हुआ 100% शुद्ध तेल है। ये कोई साधारण तेल नहीं है, बल्कि ये ऐसे असाधारण गुणों से भरपूर है जो पोषण हमें आम तेल कभी नहीं दे सकते हैं। बादाम से बना हुआ 100% शुद्ध ये तेल सेहत का खजाना है। चाहे मस्तिष्क तेज़ बनाना हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, बॉडी में विटामिन ए, डी, ई और मिनरल्स बढ़ाने हो, चाहे बालों को, स्किन को स्वस्थ करना हो, इन सभी के लिए ये औषधि की तरह काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसके गुणों, उपयोगों और इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में डिटेल रिव्यू अपनी अगली वीडियो में करूँगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे मन और मस्तिष्क की गति हमारे शब्दों से भी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा मन और मस्तिष्क पूरी तरह एक साथ एक समय पर ही एक जगह अग्रसरित होने चाहिए। और ऐसी एकाग्रता के लिए हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसलिए खुश रहें, मन को शांत रखें, और मन को शांत रखते हुए खुश रहने का सबसे उत्तम उपाय योग है। इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। दिन में कम से कम 30 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति अवश्य किया करें। साथ ही यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हो और सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।